जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी और इस वीडियो में मैं आपको उत्तर कैसे लिखें उसका जो है पार्ट फोर एक तरह से बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितना आपका पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जितना ये जो मैं आज बताने जा रहा हूं ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के आधार पर क्या होता है, आपका सिलेक्शन जो है मेन्स के अंदर 50% जो है मायने रखता है। ठीक है, तो स्टेप बाई स्टेप बात करेंगे। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उत्तर लिखने से संबंधित, बेसिक से मैं आप सभी को सारी चीज़ें जो है बता रहा हूँ, तो बेसिक जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो या तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो है एक आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख लें पहले उन वीडियो को, या फिर एंड में स्क्रीन पर आपके वीडियो आ जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम कोई उत्तर लिखते हैं हम बिल्कुल कम से कम 10 वीडियो लगभग ये मान के चलिए बनेंगे लास्ट तक, तब जाके हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे कि आंसर का स्ट्रक्चर जो है कैसे बनाया जाए, कैसे लिखा जाए। लेकिन उसमें बेसिक चीज़ें हैं कुछ, जिनके आधार पर क्या होता है उत्तर लिखना होता है हमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उत्तर लिखने के लिए। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको संविधान कानून और सरकार कि जो विचारधाराएं हैं या फिर संविधान जो कहता है वो कानून कहता है, उनसे रिलेटिव आपको क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, अपनी विचारधारा उसमें ऐड करनी होती है या नहीं करनी होती है, या फिर आप सरकार की जो है आलोचना कर सकते हैं जो वर्तमान में सरकार रह रही है। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान की। देखिए, जब भी आप उत्तर लिखें तो इन तीन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, संविधान का, कानून का और सरकार का। ठीक है, सरकार का क्यों वो मैं बताऊंगा। ये मान के चलिए 50% मायने रखेगा इस वीडियो का, 50% मायने ये रखेगा। ठीक है, टोटल मिला के सिलेक्शन में इन बातों का 50% मायना होता है। ठीक है, तो संविधान में जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ संविधान के अंदर दी गई है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी रूप है एक तरह से। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखिए उसमें, आलोचनात्मक आप लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको अंत में जो निष्कर्ष निकालेंगे तो जो संविधान में वर्णन है, यानी कि संविधान में वर्णन क्या है कि आपका कानूनी रूप है संपत्ति का, तो संपत्ति एक कानूनी रूप है तो उसे आप कानून रूप में ही निष्कर्ष निकालेंगे, ना कि ये कहेंगे कि नहीं इसे द्वारा से एक तरह से बना दिया जाए। इस प्रकार की विचारधारा अपनी ऐड नहीं करनी है। ठीक है, आपकी अपनी विचारधारा से क्या होता है, बिल्कुल भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आपको जो संविधान में दिया गया है, जिनका आप सम्मान करेंगे तभी आपको एक तरह से उस पद पर बिठाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए SC ST वर्ग से कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए अभी कानून की बात कर लेते हैं सेकंड, तो मान लीजिए SC ST एक तरह से को मिला हुआ आरक्षण है OBC को, तो आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जुड़ा हुआ SC ST वर्ग से या फिर आरक्षण से रिलेटिव, तो आपको जो जवाब देना है वो क्या देना होगा, अभी वर्तमान में कानून की व्यवस्था क्या है उसके आधार पर। तो अभी मान लीजिए अभी संविधान में कानून में अभी यही है कि आरक्षण की व्यवस्था है, तो आप क्या लिखेंगे निष्कर्ष तौर पर कि रहनी चाहिए, निष्कर्ष में ये आना चाहिए कि रहनी चाहिए, भले ही आप आलोचनात्मक रूप से बीच में कुछ भी लिख दें, आप अपनी विचारधारा ऐड करके उसे नया क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा कि नहीं अभी जो है व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि लोग बराबरी की स्थिति में आ रहे हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष आप देंगे तो क्या होगा, एक तरह से आपके नंबर जो है ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा, संविधान में जो चीज़ दी गई है उसी के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। मान लीजिए प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन मान लीजिए कभी आता है इस प्रकार का, मान लीजिए डिस्कशन में आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए इंटरव्यू में भी, तो क्या लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखिएगा हमारे भारत का, वर्तमान में कानून क्या कहता है उसके बारे में। तो कानूनी रूप से क्या है, एक तरह से बैन है, तो आपको ये नहीं लिख देना है कि नहीं निष्कर्ष में कि नहीं अब बहुत टाइम हो गया है अब इसे लीगल कर दिया जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करना होगा कि ये बैन है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये बैन ही रहना चाहिए, इस प्रकार का निष्कर्ष निकलना चाहिए, भले ही दो दिन बाद वो बदल जाए कानून। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तरह से कठपुतली बनना पड़ेगा। देखिए, UPSC का एग्ज़ाम जो है एक तरह से कठपुतली
तो आपको बनना पड़ेगा, अपनी विचारधाराएं जो भी हैं वो साइड में किनारे करनी पड़ेंगी, चाहे कोई भी विचारधारा आपकी हो, आपको केवल और केवल संविधान के अनुसार चलना है, कानून के अनुसार चलना है, ठीक है, उसी के आधार पर आपको लिखना होगा। वही यही निष्कर्ष है, आपको अपना निष्कर्ष कुछ नहीं निकालना, ना ही आपको अपना दिमाग चलाना है, जो निष्कर्ष पहले से निकले हुए हैं उसी के अनुसार आपको काम करने हैं, ठीक है, तो उसी के अनुसार काम करने, तो ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक होती हैं, कोई मतलब नहीं रहता है, जब आप जॉब में आएंगे तब भी और जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तब भी। इसी प्रकार से क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, यूपीएससी की एक खासियत ये है कि इसमें पता नहीं रहता किसी को कि किसके नंबर ज़्यादा आए या फिर कम आ रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, किसी ने नहीं बताया होगा, ना किसी टीचर ने बताएगा और ना वो समझ पाएगा इस चीज़ को, कोई भी टीचर हो वो बस आपको ये कहेगा कि लिख कर आइए, अच्छा लिख कर आइए, अच्छा लिख कर आइए। अरे इतने लोग लिख कर आते हैं, अच्छा सबका हो जाता है क्या? नहीं, लेकिन जिनको उम्मीद नहीं होती है उनका भी हो जाता है, बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे आपने, क्यों होता है ऐसा आखिरकार? वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं बस, संविधान कानून इनके अनुसार बिल्कुल भी निगेटिव पक्ष में नहीं आते हैं उस समय लिखते समय, भले ही वो बाद में कहें कि आलोचना कर सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने लिखा है बिल्कुल भी आलोचना नहीं होगी इन चीज़ों की, ये ध्यान में रखना है। निष्कर्ष में आपको बिल्कुल जो संविधान में है कानून में है उसी को एक तरह से मानना है, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है आपको, बस इतना समझ लेना है, क्योंकि ये जो संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं कानून में लिखी हुई हैं ये एक तरह से बहुत ही गहन विचार विमर्श के आधार पर ही लिखी हुई है, भले ही आप डिबेट हो रही है कहीं वहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपना दिमाग, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं जो कि 50% मायने रखता है, सरकार, ठीक है, इस पर बहुत सारे लोग उंगली उठाएंगे जो मैं आपको बात करने वाला हूँ या फिर बोलने वाला हूँ, लेकिन ये सत्य है, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। देखिए सरकार की जो विचारधारा होती है, जैसे मान लीजिए वर्तमान सरकार किसकी है, मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ बीजेपी की, ठीक है, तो बीजेपी की एक विचारधारा है, कुछ भी हो जो आप सभी जानते हैं, हर सरकार की अपनी एक विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, तो आप व्यक्ति ना रहकर एक संगठन के अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो संगठन क्या करेगा, जो संगठन है यानी कि मान लीजिए बीजेपी ही मान लीजिए, यानी कि जो सरकार है वर्तमान उसे ही मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, ऐसे लोगों को लेगा केवल जो उनकी विचारधारा रखते होंगे, ठीक है, किसी भी स्थिति में। अच्छा ये बताइए अवार्ड किसे दिया जाता है, अभी जो अवार्ड दिए जा रहे हैं एक तरह से, क्या आपको लगता है कि जो एक तरह से जो आलोचना करेगा सरकार की, जो आलोचना कर रहे होंगे उन्हें अवार्ड मिल जाएंगे क्या? मिल सकते हैं अवार्ड? नहीं मिल सकते, अवार्ड नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। भारत रत्न किसे मिलेगा, जो बीजेपी की विचारधारा वाला है उसी को तो मिलेगा, ठीक है, सरकार जो वर्तमान में है उसी की विचारधारा को तो मिलेगा। अब तक मान लीजिए कांग्रेस ने किन लोगों को एक तरह से दिया, जो उनकी विचारधारा के थे उन्हीं लोगों को तो अवार्ड दिया, उन्हीं लोगों को सचिव बनाया, ठीक है, तो इस प्रकार होता है। सरकार के को ये चीज़ ख्याल रखना पड़ता है कि अपने लोग आएँ, उनकी विचारधारा वाले लोग आएँ। उसका रीज़न मैं आपको साफ साफ बताता हूँ क्लियर कि क्यों ऐसा क्यों होता है आखिरकार, हम लोग अपने जैसी विचारधारा वाले लोगों को क्यों रखना चाहते हैं। मान लीजिए एक सरकार है अभी जो वर्तमान है, वो मान लीजिए किसी कांग्रेस की विचारधारा वाली कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, एंटर कर गया प्रशासन में, तो वो क्या करेगा, आलोचना करेगा। विपक्ष का काम क्या होता है, जो एक विचारधारा है दूसरी विचारधारा क्या करेगी, उस पहली विचारधारा का विरोध करेगी। तो क्या लगता है वो सिस्टम के अंदर काम कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, अड़ंगा एक तरह से अड़ जाएगा। तो क्या सरकार ये चाहेगी कि उनके यहाँ पर कैसी विचारधारा के लोग आएँ, जो हमारी विचारधारा, जो हमसे मिलजुल कर काम करें। यहाँ पर भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है कि ये कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर यानी कि व्यक्ति मिलजुल के कौन काम कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी कंपनी बना रहे हैं तो उसमें किन लोगों को लेंगे, कंपनी के अंदर किन लोगों को लेंगे बताइए, जो एक तरह से आपके अनुसार सही होंगे, आपके अनुसार जो सही होंगे वो नहीं, सही तो सब होते हैं एक तरह से मान के चलिए, जो आपके अनुसार सही होंगे। तो कुछ पैरामीटर बनाएंगे आप, ठीक है, कुछ एग्जाम बनाएंगे मान लीजिए, कुछ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। तो इसी प्रकार से सरकार क्या करती है, पॉलिसी हमेशा चेंज करती है सिविल सर्विसेज के अंदर, ये आंतरिक मामला है, ठीक है, ये बिल्कुल बाहर चीज़ नहीं बताया जाएगा कुछ भी और ना कभी बताया जाता है, ये केवल आंतरिक स्तर पर होता है, क्योंकि जो प्रशासन
प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके अंदर ऐसे लोगों को ही एक तरह से लेने का एक तरह से आदेश होता है, मैं डायरेक्टली कहूँ तो आदेश होता है, जो एक तरह से सरकार के साथ अच्छे से कार्य कर सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार के जो एक तरह से मुख्य अधिकारी होते हैं, यानी कि कार्य इम्प्लीमेंट जो करते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी UPSC के एग्जाम से ही निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किन लोगों को लिया जाएगा, जो सरकार की विचारधारा से मेल खाता होगा। इसी वजह से आपसे जो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, जो जैसे मान लीजिए गांधी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और गांधी से पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे कांग्रेस के ज़माने में। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा होगा, लेकिन गांधी जी को एक तरह से भगवान के रूप में ना बताकर आपको निष्कर्ष इस ज़माने में निकालना होगा, इस BJP की सरकार में निकालना होगा, एक राजनीतिक नेता के रूप में उन्हें बताना होगा, ठीक है। और कांग्रेस के ज़माने में एक भगवान के रूप में भी आप उसे प्रदर्शित कर सकते थे लिखने में, और उन लोगों को एक तरह से अलग से कर लिया जाता है। ये चीज़ में आप डिमोरलाइज मत होइएगा, बस सुनते जाइएगा आपको बनना कैसे है। जो मैं आपको तर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा उन पर सोचिएगा और अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आलोचनाएँ हैं करते हैं लोग, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो बिल्कुल अपना माइंड सेट जो है चेंज कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि सरकार कभी भी लोकतंत्र में जनता का बुरा नहीं सोच सकती है। जो भी सोचेगी वो भले के लिए ही सोचेगी, वो बात अलग है, उसका इम्पैक्ट जो है कुछ अलग आ जाए। तो सरकार की क्या होती है, एक विचारधारा होती है, उसके अनुसार आपको लिखना होगा, ठीक है। दूसरा, कार्य भी जो कर रही है उसकी आलोचना नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। टीचर कहेंगे आपसे, जो आपको कोचिंग करा रहे होंगे, कि नहीं साहब आलोचना कर सकते हैं आप, लेकिन सकारात्मक आलोचना कुछ नहीं होती है, ठीक है, आलोचना करनी नहीं है आपको। आपको क्या करना है, जो कार्य कर रही है सरकार उसको एक तरह से मान के चलना है कि ये सही ही है, बस कुछ कमियां हैं उसको गिनाना है और निष्कर्ष में बिल्कुल परफेक्शन पे बताना है आपको चीज़ों को, ठीक है। बिल्कुल नकारात्मक लोगों की ज़रूरत नहीं है उन्हें, जो सरकार की एक तरह से हाँ में हाँ मिला सकता है, जो एक तरह से कह लिया जाए पॉजिटिव, हालांकि नेगेटिव वर्ड है लेकिन इसे आप समझिएगा, कि जो एक तरह से सरकार का जो चापलूस कह सकते हो उसे, ठीक है, जो सरकार कर रही है, हालांकि सरकार एक संगठन है पूरे भारत का, ठीक है, सरकार जो कर रही है उसी के अनुसार यदि व्यक्ति चलता है तो उन लोगों को क्या करती है, हिट करती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको कहता हुआ मिल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, नंबर आते हैं बहुत कम, तो वो सारी चीज़ें बैठ के वहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग उंगली उठाएंगे, कोई बात नहीं, उठा लीजिए, लेकिन इस बात का ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगली बार आप एग्ज़ाम दें तो इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर। नेक्स्ट जो चीज़ बतानी थी मुझे, वो आपकी सरकार हो गई, कानून के अनुसार आपको संविधान के अनुसार जो है कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि यही एक तरह से मायने रखेगा आपकी लेखन शैली में। इसी प्रकार से लेखन शैली आपकी बनाइए कि बिल्कुल भी नकारात्मक पक्ष ना जाए। और यहीं पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। जिन लोगों का एग्ज़ाम निकल रहे हैं, जैसे मेंस निकल गया, तो उनकी पूरी प्रोफाइल चेक की जाएगी इस समय फेसबुक वाली, ठीक है, फेसबुक वाली पूरी स्कैन की जाती है। आपको नहीं बताया जाएगा ये चीज़ किसी को, जो फेसबुक पर हो आप, सोशल मीडिया पर हो, सारी आपकी जन्म कुंडली एक तरह से निकाल ली जाती है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार यानी UPSC कोई अलग नहीं है सरकार से, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ लोग ऑटोनोमस है, ये है वो है, कोई ऑटोनोमस नहीं होता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो में आपको लिखना नहीं है ऐसा कुछ भी, लिखना वही है जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, नॉर्मल। तो UPSC कोई अलग नहीं है, ना ही एक तरह से न्यायपालिका कोई अलग है, वो सरकार ही है, ठीक है। सरकार की एकदम से वो आलोचना नहीं कर सकती है, और ना ही आपकी UPSC, तो UPSC में वही होगा जो सरकार चाहती है, ठीक है। तो मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ कि इस वजह से रहा हूँ, कुछ लोग एक तरह से तिलमिला जाएंगे इन बातों को सुन के कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, ठीक है, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो थोड़ा सा अपनी विचारधारा को चेंज कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सरकार के अंदर जाना है,
सरकार के साथ काम करना है तो सरकार की आलोचना नहीं, उनके हाथ से हाथ बटाने के लिए उन्हें लोग चाहिए, तो आप भी वैसी ही विचारधारा में थोड़ा सा ढलते जाइए। भले ही आपकी विचारधारा ना हो लेकिन आप बनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो फेसबुक वगैरह पे आप लोग कमेंट वगैरह जो करते हैं नेगेटिव, उन सबको कर दीजिए बंद, ठीक है, अच्छे से। और जो पॉजिटिव देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जनता पूरी है ही है नेगेटिव देखने वाली। तो प्रशासन में ऐसे लोग चाहिए जो केवल पॉजिटिव देखते हों, पॉजिटिव देखेंगे तभी आप पॉजिटिव कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप जिन लोगों को सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं तो इंटरव्यू में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है सरकार के प्रति, ठीक है। ये चीज़ आपने विशेष रूप से देखी होगी, वो हमेशा कहते हैं, आपने सुन लिया होगा उनसे, कोई भी नेगेटिविटी नहीं झलकेगी उनकी। तो आप भी, आपको भी वैसा ही बनना है, इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पर आपके एक तरह से नंबर काफ़ी डिपेंड होते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो एक तरह से जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो केवल आपको जान लेना थोड़ी सी ज़रूरी है, क्योंकि आप लिखेंगे वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए, तो उसका रीज़न यही होता है, थोड़ा सा इन विचारधाराओं को थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। सरकार क्यों चाहेगी कि उससे अलग कोई विचारधारा का लड़का आए? अदर एग्ज़ाम में ये नहीं होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रशासनिक एग्ज़ाम है, इसमें बिल्कुल ये चीज़ें मायने रखती हैं बड़े स्तर पर। सरकार को ज़रूरत होती है अपने काम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इस वजह से इन चीज़ों में थोड़ी सी छेड़खानी ये लोग करते हैं, ठीक है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा होता है इस वजह से बता रहा हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए वरना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और ये जो वीडियो आए हैं उन्हें ज़रूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर तक पहुंचेंगे, और तो ये चीज़ बताना थोड़ा सा ज़रूरी था। धन्यवाद।